हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से है। कई बार हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक एग्जाम्स में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड या फिर उनके एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सोल्व करें तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ये हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उनमें दो टाइप के एंगल बनेंगे, ठीक है। तो पहला एंगल तो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, ठीक है। तो आज हम पहले इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी उन्नयन कोण है उसके बारे में जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है, तब हम बना पाएंगे इसको, ठीक है, या फिर हम पहचान पाएंगे कि कौन सा एंगल उसमें बन रहा है। जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे किसी फिगर के अंदर कि एंगल यहाँ पे कौन सा बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तब तक हम क्वेश्चंस को नहीं निकाल पाएंगे या सोल्व नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा सेट ही नहीं हो पाएगा वो सेट। और यदि निकाल लेंगे तो वो गलत जाएगा यदि सही से हमने उसको पहचाना नहीं है तो, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई हमारे पास टावर दिया हुआ है, ये टावर है मान लो, इसकी हाइट है 30 मीटर, ठीक। ये इसका बेस है, ये इसका टॉप है, हिंदी में बोलते हैं इसको शिखर, ठीक है, यानी जो अंतिम पॉइंट होता है, टॉप होता है, शिखर इसको हिंदी में बोलेंगे, और जो बेस होता है इसको बोलते हैं फुट, ठीक, यानी हिंदी में बोलते हैं पाद, ठीक। ये यहां से इतना ऊंचा है, 30 मीटर इसकी हाइट, ठीक। अब देखो, अब ये कई बार क्या होता है कि ये वाली जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये टावर भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, ठीक, या कोई पोल हो सकता है, या फिर ट्री हो सकता है, या फिर किसी काइट की हाइट हो सकती है, यानी इतनी ऊंचाई पे, ज़मीन से इतनी ऊंचाई पे पतंग है, यानी उसकी दूरी इतनी है, ठीक है, दोनों के बीच, ज़मीन से पतंग के बीच की दूरी इतनी है, ठीक है, या फिर कोई एरोप्लेन का दे सकता है यहाँ पे, या कोई वस्तु है, या फिर या कोई एरोप्लेन है, यानी ज़मीन से इतनी ऊंचाई पे है, तो ये जो हाइट होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये ज़मीन से होगी, वहाँ पे दिया होगा, लिखा होगा क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ये चीज़ें हों तो आपको समझना ये है कि ज़मीन से यहाँ की हाइट ये है, ठीक है, और ये काम करता है मोस्टली क्या, परपेंडिकुलर का, ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये जो टावर बनेगा या बिल्डिंग बनेगी या फिर ट्री होगा, ठीक है, ये होगा हमें मोस्टली जो क्वेश्चन है उनमें परपेंडिकुलर का ही काम करता है, ठीक है। इसके बाद मान लो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, कोई पर्सन है, वो यहाँ से इसके टावर को देख रहा है, ठीक है, टावर के टॉप को देख रहा है, सॉरी, ठीक है, टावर के टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है, या फिर किस ट्री के टॉप को देख रहा है, तो यहां से देख रहा है, तो ये जो इसके इसके जो आई का जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहां पे इसकी आंखें यहां से देखा, यानी ऊपर की तरफ देख रहा है ये। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन अपने आई साइड से, यानी जो आंखों की दृष्टि है, ठीक है, उससे ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अपना जो लेवल है आई का उससे नीचे की तरफ देखेगा तब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी एंगल ऑफ एलिवेशन की, यानी जो मैं बातें बताऊंगा अभी इसमें, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड है सारी की सारी, ठीक है। तो जब भी हम नीचाई से ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी ऊपर से नीचे से ऊंचाई की तरफ देखेंगे, यहाँ पे इसका लेवल था, यहाँ पे बंदा खड़ा, यहाँ पे आंख है इसकी, ये नीचे की साइड में, ठीक, अब ऊपर की तरफ देख रहा है, ये इसका लेवल है, ठीक है, ये बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक, यानी क्षैतिज स्तर, यानी जमीन से इतनी दूर पे खड़ा है तो ये जमीन का लेवल है, यानी अर्थ का लेवल है, ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक, हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब क्या है, यानी क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर क्या होगा, जहां से तुम्हारे आंखों की जो लाइन बनेगी सीधी, ठीक है, यानी बिल्कुल इसके सामने वाला वो लाइन बनेगी, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, और जब ऊपर देखेंगे वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन,
यानी यहां पे ये जो बन रहा है, ये एंगल बन रहा है जो, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, यानी उन्नयन कोण। यहां से देखिएगा ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, और इसको बोलते हैं, ये जो आपकी जो दृष्टि रेखा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा, ठीक, यानी यहां से देखना चालू, यहां पे टॉप पे देखा तो ये जो रे बनेगी एक तरीके से, ठीक है, इस रेखा बनेगी, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है, यानी दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और इस हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो ये एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट इसके बीच में जो ये एंगल बनेगा ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमेशा जो लेवल है इससे ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक। तो इसके बारे में बात कर रहे थे एलिवेशन के बारे में, तो ये नीचे जो लेवल है हॉरिजॉन्टल लेवल इससे ऊपर की तरफ बनेगा। दूसरी चीज, जितने डिग्री का बना होगा वो बताया जाएगा आपको, ठीक है, भाई कितने डिग्री का है। या तो अब आपसे इसके अंदर क्या पूछेगा, यहां से यहां की ये दूरी पूछ लेगा, ठीक है, यहां से यहां की डिस्टेंस, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी, ठीक, ए बी सी, ये ट्राइंगल बन गया, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लेवल क्षैतिज इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट होती है, कोई बिल्डिंग हो या कोई भी पेड़ वगैरह हो जो भी है वो स्ट्रेट होगा, तो यहाँ पे बनेगा 90 का एंगल, ठीक। अब ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक। 90 के एंगल के सामने क्या होता है हमेशा, हाइपोटेनस, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण, ठीक है, यानी ये वाली लाइन क्या काम करेगी, कर्ण का काम करेगी, ठीक है। ये यहां पे थीटा बन रहा है, ठीक है, थीटा यहां पे है, यानी यहां पे मान लो आपका 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ये, जब ये इस लेवल से ऊपर की तरफ ऐसे देखेगा बंदा कोई भी, तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। तो ये थीटा है, जब थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, लंब, ठीक, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, और 90 के सामने ये आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। अब बाकी एक चीज बची, ये है आपका बेस, यानी ए से लेके बी तक ये हो गया बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार, ठीक। तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों चीजें हमें पता चल गई, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये है बेस, ठीक है, यानी ए बी सी ट्राइंगल के अंदर तीनों चीजें हमें पता चल गई। अब इसके अंदर एक चीज दी हुई है आपको बी सी, यानी BC क्या है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है BC, ये दिया और आपसे मान लो ये वाली चीज पूछी, ठीक है, क्या निकालनी है इसके अंदर हमें, मान लो हमें निकालनी है AC की डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये कितनी दूरी है, ठीक, या आपसे ये भी पूछ सकता है, मान लो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये निकालना है, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसके बारे में एक चीज और बताता हूं मैं। तो कई बार तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल इस साइड से होता है, ठीक है, यानी जहां ये लेवल है यहाँ पे इसका फुट है, यहाँ से इसके सिद्ध में यहाँ पे आई होती है, ठीक है, यानी आंखें यहाँ पे यहीं से दृष्टि रेखा बनती है आपकी, ठीक है। कई बार क्या होती है, एक दूसरी टाइप की फिगर ऐसी है मेरे पास, ऐसी बनती है कई बार, मान लो ये भी 30 मीटर है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है या कोई ट्री है या फिर हमारे पास कोई दूसरी चीज है, कोई काइट की हाइट दे रखी है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, उसकी और उस बंदे की जो पर्सन दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कोई गर्ल हो सकती है या बॉय हो सकता है, ठीक है, या कोई पर्सन जो भी होगा, उस पर्सन की यदि हाइट दी हुई है आपको, ठीक है, यानी उस पर्सन की हाइट भी दी हुई है, तो उस हाइट देने का मतलब वहाँ पे क्वेश्चन में यही होता है मोस्टली टाइम कि उसकी हाइट है उतना कम करना, यानी उतनी ऊपर उसकी क्या बनेगी, लाइन ऑफ साइट बनेगी, यानी उसका हॉरिजॉन्टल लेवल यहां पे होगा। जैसे मान लो इसकी दे रखी 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर का कोई पर्सन देख रहा है किसको, इस बिल्डिंग को, टावर लगा लो आप इसको, ये इसका टॉप होगा यहां पे, ठीक, ये होगा इसका फुट, ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसको पाद, ये हो गया शिखर,
यानी इस शिखर को यहाँ से 1.2 मीटर ऊंचा व्यक्ति देख रहा है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। तो 1.2 मीटर इतना ऊंचा है, ठीक है, जमीन पे खड़ा है। यहाँ से देखेगा तो अब हॉरिजेंटल लेवल क्या हो जाएगा, यानी क्षैतिज स्तर क्या हो जाएगा, यहाँ से माना जाएगा, ठीक है, यानी 1.2 मीटर है वो इसमें कम कर दी जाएगी, ठीक है। जो टोटल आपकी 30 मीटर है उसमें से 1.2 मीटर ये कम कर देंगे तो 30-1.2 यानी 28.8 अब इतना मीटर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और यहां से ऐसे देखेगा ये, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, दृष्टि रेखा, यानी लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट का काम ये यहां से करेगा ये, न कि यहां से, ठीक है। ये यहां पे पहले क्या था, ये हॉरिजेंटल लेवल, हॉरिजेंटल लेवल। यदि हाइट ना दी हुई होती तो पर्सन का सीधा से क्वेश्चन आता हमारे पास, मान ले कोई व्यक्ति के लिए, तो हम उसमें क्या करते, यहां से लेते इसको, यहां से इसका एंगल बनाते हम। इस लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है हमने इसमें, ठीक। लेकिन कई बार क्वेश्चन में जब पर्सन की हाइट दी होती है, यानी व्यक्ति की हाइट दी हुई होती है, तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं कि उसकी हाइट को उस बिल्डिंग की हाइट से कम कर लेते हैं पहले ही, ठीक है, उसके बाद उस एंगल को बनाते हैं, ठीक है। तो अब दृष्टि रेखा ये हो जाएगी आपके, लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, ठीक है, और इतना कम कर देंगे। तो अब इस चीज के बारे में हम करेंगे कैलकुलेशन, यानी इसके बारे में निकालेंगे, कुछ भी निकलवाएगा जो हमारे से, ठीक। यहाँ पे मान लो 45 डिग्री के एंगल से ये देख रहा है, ठीक, इतना टेढ़ा जा रहा है, इतने इस हिसाब से आपके ये एंगल बन रहा है, ठीक, ये इसका टॉप है। अब इसका फुट का काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ से इसकी हाइट मानी जाएगी अब इसकी, ठीक है, चाहे टावर हो चाहे कोई बिल्डिंग हो, ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल बन गया, ये काम करेगा हॉरिजेंटल लेवल का, हॉरिजेंटल लेवल, यानी हॉरिजेंटल लेवल पहले ये था, ठीक है। अब इसकी हाइट यदि दे रखी है तो यहां से मानेंगे हम इसको, ठीक, इसका हॉरिजेंटल लेवल अब ये माना जाएगा, और जितना यदि ये दे रखा उतना ही ये मानेंगे हम, ठीक है। यदि ये 8 मीटर दे रखा तो ये इसको भी 8 ही मानेंगे हम, ठीक है, या फिर निकलवाता है तो हम निकालेंगे इसको, ठीक है। अब इस केस में भी जो पूछा जाएगा, जैसे मान लो इसकी हाइट निकलवा ली आपसे, या तो कि भाई ये कितनी दूरी का है, डिस्टेंस निकलवा लिए, ठीक, या फिर इसकी डिस्टेंस निकलवा लिए, ठीक। आगे क्वेश्चन कोई भी बन सकता है आपके लिए, ठीक, लेकिन आपको ये याद रखना, जब भी ये हाइट दी हुई हो किसी पर्सन की, किसी लड़का या लड़की की, या फिर और कुछ बोला जाए कि भाई ये इतनी हाइट पे खड़ा हो के फिर देख रहा है, तो उतनी हाइट हमें आप उसको कम कर देनी है, ठीक है, उतनी कम करके इसको लेवल में लेके आनी, ये हॉरिजॉन्टल लेवल की ये वाली लाइन अब काम करेगी, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम बात करें इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसके 30 मीटर ये हाइट, ठीक, ये वाली निकालनी है हमें, ठीक। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी के लिए तो क्या है, लाल बट्टे कक्का, ठीक है, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। ये दोनों चीज याद रखनी हम, हिंदी वालों के लिए ये है, इंग्लिश वालों के लिए ये, इसको याद कर सकते हो लाल बट्टा कक्का हिंदी वाले, इसको याद कर सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। इस तरीके से आप इन दोनों को याद रख सकते हो। अब इनका यूज कहाँ पे होगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ज़्यादातर में ये दोनों के दोनों यूज होते हैं, या तो हिंदी वालों के लिए ये, इंग्लिश वालों के लिए ये, ठीक है। अब इनका यूज कैसे होगा, जैसे मान लो आपको दे रखा है 45 डिग्री का ये एंगल, अब पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे ये जो दृष्टि रेखा है इसकी लंबाई कितनी बनेगी। तो हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री में ये एलिवेशन और ये डिप्रेशन दोनों टाइप के एंगल बनेंगे, ठीक है, उसमें हमें जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें क्या देखना है कि एक चीज तो वो लेनी है हमें जो हमें गिवन है, यानी जो दी हुई है, ठीक, और एक चीज वो उठानी है जो हमें निकालनी है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन में एलिवेशन का हो चाहे डिप्रेशन का हो, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री में ही है ये रूल कि आपको क्वेश्चन तभी आपका सोल्व होगा जब आप एक चीज तो वो उठा लोगे, एक जो गिवन है, एक जो फाइंड आउट करनी है आपको वो लोगे तो आपका क्वेश्चन निकलता जाएगा, ठीक है। और इसका करने का तरीका भी यही है सबसे अच्छा, ठीक है।
तो हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये क्या है बीसी और ये है एसी, यानी ये निकालना है और ये बीसी दिया हुआ है, यानी एक चीज जो दी हुई है वो लेंगे, दूसरी चीज क्या है जो निकालनी है वो लेंगे। ठीक, अब दी हुई क्या है हमें बीसी, बीसी दी हुई है, ठीक है, और निकालनी कितनी है एसी निकालनी है हमें, ठीक, और इसके इक्वल कितना है, क्या बन रहा है इनके एंगल, यहां पे एंगल बन रहा है 45। ठीक, अब ये बीसी तो क्या है, किसका काम कर रहा है बीसी, बीसी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ठीक है, हिंदी में इसको लंब कहेंगे, और ये है हमारा कर्ण, ठीक, कर्ण इंग्लिश में बोलेंगे भाई, एक इंग्लिश का ले रहे तो दूसरा भी इंग्लिश का लेना पड़ेगा, ठीक है, हाइपोटेनिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यदि पी इंग्लिश का लिया है इंग्लिश मीडियम वालों का, यानी ठीक है परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस, हिंदी वालों के लिए हो जाएगा एल और के, लंब बटे कर्ण, ठीक, लंब बटे कर्ण, ठीक, और ये किसके इक्वल आ रहा है यहां पे, लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण किस में होता है, लंबटे कर्ण देखो, लंबटे कर्ण, अब इनका यूज कैसे है देखो, थोड़ा सा और बताता हूं मैं, ये पहली चीज होती है साइन के लिए, ये होती है कोस के लिए, ये होती है साइन कोस टेन के लिए, साइन कोस टेन, ठीक, साइन के लिए होगी लंबटे कर्ण, यानी साइन का कोई भी डिग्री निकालेंगे लंबटे कर्ण आ रहा है, ठीक, और डिग्री दे रखा तो इसका मतलब वो साइन से रिलेटेड है, ठीक है, साइन से संबंध रखता है वो। इसके बाद आपका कर आधार बटे कर्ण कोस, लंब बटे आधार ये होगा टेन, अब इसको उल्टा ले जाओ, ठीक है, आधार बटे लंब, टेन के बाद कोट, ये होगा कर्ण बटे आधार सेक और ये कोस है, ठीक, इसी टाइप से इसमें भी करना है, पी बाई एच का हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा कोट, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कोसेक, ठीक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक, अब लंब बटे आधार साइन वाले में दे रखा, आगे वाले में आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक, अब हमारे पास क्या चल रहा था, ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये निकालनी हमें डिस्टेंस, बी सी क्या है यहाँ पे, बी सी पी है यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय क्या है एसी यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसके लिए काम करता है, साइन के लिए, ठीक है, यानी साइन के अंदर ये होता है, तो साइन बन रहा है यहाँ पे, साइन का कितना डिग्री बन रहा है, साइन 45, यानी साइन 45, ठीक, साइन 45 लिखो यहाँ पे, बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बीसी वैल्यू आपकी 30, ठीक है, बीसी की वैल्यू है 30, एसी जो हाइपोटेनस ये कितना है, ये एक्स मानते मान लो अभी, ठीक, तो एक्स निकाल लें, एक्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक, अब क्या करना है आपको, इससे अगली स्टेप क्या बनेगी, साइन यानी ये हो गया, यानी ये चीज जो लिखी थी मैंने वही ये है, वही ये है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश मीडियम में, और ये क्या था, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस था, इसके इक्वल ये लिखना है हमें, जितने डिग्री का एंगल है, यहाँ 45 का था और इसको लिया हमने P बाई एल, लंबटे करण, लंबटे करण किस में, साइन में होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये साइन में होता है, तो साइन 45 को रख दिया इसके इक्वल हमने, अब ये 30 ऑब्लिक एक्स है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1√2, ठीक, 1√2, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x को 1 से करेंगे और रूट 2 को 30 से करेंगे, यानी रूट 2 को 30 से करेंगे तो ये बन जाएगा 30√2 और x को 1 से करेंगे तो x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 30√2, और x क्या था हमारा यहाँ पे AC की जो ये डिस्टेंस है वो है, यानी A से लेके C तक, ठीक है, लाइन ऑफ साइट, तो AC इक्वल x और x इक्वल कितना 30√2, तो इस तरीके से हम ये
आपको डिस्टेंस निकालनी हो या फिर ये वाली निकालनी हो या फिर ये हाइट निकालनी हो, हम इसका यूज करके और साथ में जो हमें एंगल दिया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन उसको यूज करते हुए हम कोई भी ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं या फिर ये हाइट पूछी हो तो हाइट निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इस तरीके से यूज होता है या फिर इसको इस तरीके से निकालते हैं, इसकी कोई भी साइड निकालनी हो, ठीक है। हमेशा 90 का एंगल यहाँ पे बनेगा, जो 90 पे मिलेगा वो होगा परपेंडिकुलर, ये आपका कर्ण का काम करेगा हाइपोटेनस का, ये बेस का, ठीक है। और जो दूसरा आपका आएगा टाइप एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, वो अब नेक्स्ट उस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास उन्नयन कोण का यानी एंगल ऑफ एलिवेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, यानी वहाँ पे जब आपको पता चल जाए कि यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो एंगल वगैरह यूज करके। उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वैल्यू निकालने के लिए जैसे यहाँ पे 45 की वैल्यू हमने 1/√2 रखी है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। या फिर यदि याद नहीं होती आपको सीधे से, तो जो एक मैंने वीडियो बना रखा है टेबल के लिए, जो ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल यूज होती है, ठीक है, उसमें 0, 30, 45, 60 या फिर 90 जितने भी एंगल बनते हैं, वो चाहे साइन के बने, चाहे इसके साइन के बने, कोस के या फिर टेन के, कोट सेक कोसेक किसी का भी बनो चाहे, ठीक है, तो उनके सबकी जो वैल्यू होती है, चाहे किसी की वैल्यू निकालो 30 की 45 की, उनको सबकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक टेबल बना रखी है। वो टेबल बनाना भी कैसे कैसे बनाई जाती है वो भी बता रखा है मैंने वीडियो में, तो उसको भी आप ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।